हेलो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के लिए। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि सर मिनिमम स्कोर कितना होना चाहिए ताँ जो हमें वीज़ा मिल सके, फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कनाडा हो, कोई भी कंट्री हो। आज का क्वेश्चन है तस्किन जी, सर आई गॉट ओवरऑल 6, राइटिंग 6, स्पीकिंग 5, रीडिंग 6, लिसनिंग 6, मे आई एबल टू गो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। देखिए, किसी भी कंट्री के लिए जब आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो सभी का रिक्वायरमेंट अलग अलग रहता है, फिर भी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपका ओवरऑल 6, नॉट लेस देन 5.5, वो भी अगर एक मॉड्यूल में होगा तो आपके वीज़ा के चांसेस कम रहते हैं। अगर आप उससे नीचे जाते हो, जैसे आपका एक स्कोर में 5 है स्पीकिंग में, तो आपके लिए बहुत रिस्की हो जाता है, एडमिशन आपको मिल जाता है। बहुत सारे बच्चों को यह होता है कि सर इस स्कोर पे तो कुछ एजेंट्स या कंसल्टेंट बात कर रहे हैं कि हम आपको एडमिशन दिला देंगे। एडमिशन लेना कॉलेज या यूनिवर्सिटी से वो अलग बात है, उस एडमिशन के बाद जब आप फीस पे करते हो, सारा प्रोसेस कंप्लीट करते हो, आपकी फाइल एम्बेसी में जाती है। जो मेन रिजल्ट हमें चाहिए वो एम्बेसी से चाहिए। एम्बेसी इस स्कोर पे रिजल्ट बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको नेगेटिव ही देगी, यानी कि रिफ्यूज़ल ही मिलेगी। उस कंडीशन में हम आपको हमेशा यही रिकमेंड करते हैं कि आप एक चांस लेने में जितना पैसा वेस्ट करोगे, क्योंकि कभी भी आप रिफ्यूज़ल लेते हो तो आपका काफ़ी पैसा जो वेस्ट होता है उसको सेव करिए। उस पैसे से आप दोबारा से रीटेस्ट दीजिए अपना ISPT, जो भी आपका स्कोर आप जो करना चाहते हैं उसको इम्प्रूव कर फर्स्ट टाइम तब अपनी फाइल लगाइए जब आपको क्लियर हो कि मेरी फाइल में अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो पहले रिफ्यूज़ल लेते हैं, थोड़ा स्कोर आ गया उस पर ट्राई कर लिया, फिर थोड़ा स्कोर आ गया फिर ट्राई कर लिया, 3-4 रिफ्यूज़ल लेने के बाद फिर वो अपना स्कोर है इम्प्रूव करते हैं। उस जो 3-4 आपने अटैम्प्ट किए हैं उसमें कम से कम आपका 1.5 से 2 लाख रुपए का लॉस होता है। इससे बेटर है कि आप 2 से 3 टेस्ट पहले दे लीजिए। अगर आप 3 मंथ बाद में भी अप्लाई करेंगे वीज़ा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसीलिए मेरी रिकमेंडेशन आपको यही है कि जहां पर कम से कम, अगर आप ऑस्ट्रेलिया भी जाना चाहते हैं, अगर आपने ट्वेल्थ किया है 2022 पास आउट है, तो जहां पर आप कम से कम 5.5 कर लीजिए, फिर आपका चांस अच्छा है। इस पे आपको एडमिशन मिल सकता है, वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत कम है। उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप 9551760001 पे अपनी प्रोफाइल शेयर करिए, हमारी टीम से बात करिए, उनसे गाइडेंस लीजिए कि क्या कर सकते हैं, कैसे हो सकता है। अगर कोई भी बच्चा हमारे यूट्यूब की किसी वीडियो के नीचे कमेंट करेगा तो नेक्स्ट Q&A सेशन में उसके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे जो एफर्ट्स अच्छे लग रहे होंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।